हेलो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि नहीं दबाया तो आपका घंटा मेरी तरह बच सकता है। क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छी अच्छी आती है, मैंने भी देखी हुई है, तो रियल स्टोरी आती है, आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है। पंजाब में काफ़ी टाइम से, कितने 7-8 साल से तो खेल रहे हैं आप? हम खेल तो 7-8 साल से है ना। तो ये जो ड्रग्स या मेडिसिन वाला जो चक्कर है पंजाब में, ये किस लेवल पे चल रहा है और कितना गलत कितना सही चल रहा है लोगों को? ये जो ड्रग वाला चक्कर है ना, वैसे जो मैं आपको बताता हूँ सही, मैं जो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग में बता देता हूँ आपको भाई, इसका कोई लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता भाई। आज जो आदमी ड्रग लेता है वो ऐसे थोड़ी वो ड्रग लेगा वो तगड़ा हो जाएगा, किसी को भी ड्रग दे दी वो तगड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं ना हो सकता। जैसे भी एक मतलब बीएस के अकॉर्डिंग ही चलना है वो तो, ठीक है। जो आप दिमाग में भरने की चीज़ है, जो इसने कहा भी ऐसे हो जाएगा, मेरे गुरु ने बोला ये इंजेक्शन लगा लो, ये कर लो, तुम उसको बीट कर जाओगे, तुम इतने बड़े हो जाओगे, हो जाओगे, हुआ तो नहीं ना, ठीक है। बस वो उसने लगा लिया, उसने एक लगा लिया, मैं तो दो लगाऊंगा। वैसे ये ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग से पहले कबड्डी में शुरू हुआ पंजाब में। अच्छा, कबड्डी में भी है बहुत ज़्यादा? नहीं, कबड्डी में ही है। पंजाब में बॉडी बिल्डिंग उतनी नहीं है जितनी कबड्डी है। कबड्डी में प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे एक टूर्नामेंट में मैंने देखा था, बेस्ट ट्रेडर को फॉर्चूनर थी, वाह, और 5 बुलेट थे मतलब एक टूर्नामेंट में। उसमें ये होता है भी फॉर्चूनर मैं ले जाऊँ, उसने एक इंजेक्शन लगाया मैं दो लगा लूँ, वो जितना प्राइस बढ़ता जाता है उतनी मेडिसिन बढ़ती जाती है। मैं कल ही किसी से मिला था, जोरावर करके आप शायद नाम थे, मेरे साथ तो उनके गांव वो ले जाने की बात कर रहे थे आज, और वहाँ पे उनकी कबड्डी की टीम है, तो वो मेरे को बता रहे थे कि एक बंदा है उसने एक सीजन में 17 बुलेट जीती थी। हाँ, है ना, हर एक में। हाँ। वो क्या था, कैचर बोल रहे थे, क्या बोल रहे, स्टॉपर बोल रहे थे, स्टॉपर, वो बेस्ट स्टॉपर था, और वो स्टॉपर के उसने 17 बुलेट जीती थी। हाँ, एक सीजन, नॉर्मल बात है इतनी। और अगर उसको कुछ लेना होता था तो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं पढ़ता था, वो बस बोलता था ये दिया है फटाफट ले लो। तो ये सच है, ऐसे ही होता है? और वो भी एक कोच से नहीं लेते, ऐसे एक डीलर आता है बैग उठा के टीम के पास टूर्नामेंट में, गाड़ी के पास आता है, वो बैग खाली करके चला जाता है बस। उसमें क्या है, कुछ नहीं? ना ना ना, कोई लेबल, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछना भी, ये जो डीलर है इसको कुछ पता है ये कौन से लेवल का प्लेयर, कुछ ना, बैग आया, बैग खाली किया, पेमेंट लेके चला। ऐसा है कि जैसे कि किसी दुकान शॉप से कैंडीज लेनी है, टॉफी लेनी, जो भी टूर्नामेंट होता है वहाँ वो जो नीडल्स वगैरह है वहाँ बहुत बिखरी पड़ी होती है। तो गोली ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मतलब ये लोग जब 35 के होंगे 40 के होंगे तब तो खत्म है? नहीं, एक साल में खत्म हो जाते हैं। मेरे पास बहुत से केस आए हैं ऐसे, कबड्डी खेलता था, तू खेलता था? हाँ यार, मैं ही खेलता था, लग नहीं रहा आप जैसे खेलता हूँ। अच्छा है, तू खेलता था? एक साल दो साल में बस, क्योंकि वो कबड्डी बस 2-3 महीने होती है। वो जो बॉडी बिल्डर तो चल फिर भी सारा साल जिम करता है, कबड्डी प्लेयर तो वो भी नहीं करते, वो 2-3 महीने में सब कुछ कर देते हैं बस, सब कुछ हो जाना 2-3 महीने में। तो इस सबको कोई भी तरीका है सबको थोड़ी अवेयरनेस लाने का, कम करने का, जागरूकता लाने का? नहीं देखो, अगर कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा भी गेम को गेम ही रहने दें, कैश पढ़ाई प्राइस बढ़ा के इसको जुआ मत बनाएं। अच्छा, अगर आपको मतलब पहले खेलते थे शील्ड के लिए खेलते थे भी, वो टूर्नामेंट है वो शील्ड हमने जीतनी है, आज शील्ड रख दो कोई आएगा भी नहीं, फॉर्चूनर के लिए खेल रहे हैं। हाँ, जितना पैसा बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा साथ में।
तो वो एक सवाल जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है जब कोई लड़का आपके पास आता है या इंटरनेट पे कोई आपसे पूछता है, वो क्या है? भाई वेट गेन करना है या डोला, 2 इंच डोला बनाना है। अच्छा, 1 महीने में? 1 महीने में 2 इंच डोला बना। मैं आज सुबह ही लड़का मुझे एक मिला, वो 40 किलो का होगा। मुझे कहता कोई ऐसा कि नर्दो, मैं आज कम्पीट करना है, मैंने 2 महीने बाद। पागल है वो, पागल है। मतलब 2 महीने कम्पीट करना है। जिम भी आज स्टार्ट की है उसने, पहले जिम भी नहीं करी। तो क्या करेंगे, आपने क्या किया फिर? मैंने कहा भी ऐसे नहीं, कम्पीट वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल गेनर खाओ, डाइट खाओ, डाइट चार्ट में दूंगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 2-3 साल अपना एक्सरसाइज करो। पहले भागते रहो तो कहीं और किसी, ठीक है, पर अपना हम गलत थोड़ी गाइड कर सकते हैं। तो ऐसा ना कि अगर मैं इनके पास आता तो मैंने इनसे पूछता कि भैया मुझे भी ऐसे ही 1 महीने में कर दो। अब ये सही है, इन्होंने कह दिया कि देखो ऐसे नहीं होता, ये गेम ऐसे होती है, ऐसे होती है। शायद उस वक्त शायद वो ना भी मानता, लेकिन फिर भी एक मुझे शायद, मैं अगर उस वक्त इनके पास आता और ये कह देते, शायद मैं मान जाता कि ठीक है, कि टाइम लगेगा और मैं ऐसे ही चलूँगा, तो जो मेरे साथ हुआ है वो शायद ना होता। चलो आज भाग जाएगा आदमी, चलो मुझे तो ये होगा ना, मैंने तो गलत नहीं ना बताया। अब मैं एक बहुत बड़े आदमी का नाम लूंगा, तो आपने उनका वीडियो भी बनाया था, द्रोणाचार्य भूपिंदर सिंह, वो क्या बोलते हैं अभी, ट्रेनिंग करो। वो आजकल कोई करके कुछ नहीं है, और मैं भी यही बोलता हूँ, मेरी तो 650 है जिम की, और ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग में खुद लगवाऊंगा बस, अगर कुछ करना है तो ट्रेनिंग में लगवाऊंगा बस। लॉन्ग टर्म तो यही है तरीका। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कुछ और ही चल रहा है आजकल। हाँ। और इसके डैमेज शायद हमें आने वाले सालों में देखेंगे। हाँ, दिख ही रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पतले हैं और वो वेट गेन करना चाहते हैं स्टेरॉइड के बिना, तो उनके लिए जेन्युइन 2-3 एडवाइस बताइए जो वो चीज़ें वो कर सकते हैं। एक तो दिन में 7-8 बार कंप्लीट डाइट लें, थोड़ा हाई कार्ब लें। 7-8 बार? तो 7-8 बार क्या ले सकते हैं कंप्लीट डाइट में? जैसे भी उसमें एक डाइट में प्रोटीन भी हो, कार्ब थोड़े हाई हो, और गुड फैट भी हो साथ में। ओके ओके, और 7-8 बार लें। लेकिन ऐसे नहीं भी आज खा लिया, कल नहीं खाया, परसों खा लिया, स्किनिंग है लगातार। कंसिस्टेंसी बहुत, हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और वो लगातार खाएगा। अपना वेट चेक करो, 2-2, 3-3 महीने बाद भी गेन हो रहा है। साथ में ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग करो। अच्छा, कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा करो, ऐसे किसी गुरु के पीछे लग के ऐसे नहीं भी दिन में 4 घंटे 5 घंटे जिम में बता दिए, बस बेसिक ट्रेनिंग करो, धीरे धीरे पावर बढ़ाओ अपनी। मेरी पावर बढ़ रही है, 2 किलो पावर बढ़ी, 5 किलो बढ़ी 2 महीने में, ऐसे धीरे धीरे चलो। पावर बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगा, गेन भी होगा। अच्छा, सो बेसिकली कहने का मतलब ये, तो खाने की कंसिस्टेंसी, एक बार में बहुत ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा, 7-8 बार, और वो भी अच्छा हेल्दी हेल्दी खाओ। और उसके अलावा मॉनिटरिंग, मैंने थोड़ा नया देखा आपसे कि आप बोल रहे हो कि मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने वजन को चेक करते रहो, जो वजन आप उठा रहे हो जिम में उसको चेक करते रहो कि वो बढ़ रहा है। ओके, अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? पावर ऐसे थोड़ी बढ़ेगी, 10 किलो बढ़ा दिए अगले दिन आया और 10 डाल दिए, ऐसे तो नहीं होगा। वो सेल्फ ट्रेनिंग पे पता लगेगा, सेल्फ ट्रेनिंग। आप जिम में देखो हेल्प बहुत लेते हैं, जैसे बेंच प्रेस उठाई, ऊपर से 2 हाथ डाले, वो उठा रहा है, उसे नहीं पता भी मैं उठा रहा हूँ कि वो उठा रहा है। अगले दिन वो ट्रेनर नहीं आया, उसे ये नहीं पता लगता ये वेट मैं लगा लूंगा कल तो लगाया। लेकिन हेल्प तो ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ेगा बेंच थोड़ा। देखो नहीं, जो वो 4 सेट है ना, उसके 3 सेट तो वो खुद करे ना, लास्ट में चलो ऊपर आदमी खड़ा है, 2-3 रैप 4 रैप उसने खुद किए, और बाद में उन्हें 2-3 रैप हेल्प से लगवा दी। जिम में आया मैं बैठा था, आगे भैया आप आना मुझे वार्म अप करवाना, हेल्प दे के वार्म, हाँ, वार्म अप में मैं हेल्प कैसे दे दूं तुझे? कई बार तो जिम में ऐसा होता है कि किसी जिम में जाओ ना, तो अगर कोई बेंच प्रेस लगा रहा है, पीछे उसका हेल्पर खड़ा है, 2-3 मिनट इस टाइप से निकल जाते हैं कि वो बेंच प्रेस लगा रहा है या वो बाइसेप लगा रहा है। वो पोस्टर वो हेल्प उसकी इतनी होती है, वो नीचे वाला आराम से लगा रहा होता। मेरा आज तक ट्रेनिंग का एक जरूर रहा है, मैंने हर सेट के बाद अगर किसी ने उंगली भी रॉड को लगाई है तो मैं उनसे पूछूंगा भी तूने कितनी बार उंगली लगाई है रॉड को और कितना मुझे तूने हेल्प दिया। ये इम्पोर्टेंट, हर बार की ट्रेनिंग में मैं जरूर पूछता हूँ।
तो आप ये भी कह रहे हैं कि सपोर्ट कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि हम खुद कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। और कुछ आप जरूरी मैसेज लोगों को देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे लड़कों को जो बॉडी बनाना चाहते हैं? हम बॉडी बनाने का यही है भाई, भैया अगर टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अगर आप ये बोलो दोबारा, आप बिल्कुल सामने देखो, सामने भी बॉडी बनाने के लिए जो नए लड़कों, उनको मैं यही बताऊंगा, अभी आपको टाइम तो लगेगा लगेगा जिम में, ठीक है। आप मैं कल एक लड़का मेरे के पास आया था, मैं वो रिमूव कर रहा था, लेजर रिमूव कर रहा था, ठीक है। वो बोला अच्छा, मैंने भी लगना जिम, मुझे बोला, मैं कहा ठीक है, मुझे कहा कितने साल लग गए, मैं कहा भी लग गए 12-13 साल कुछ लग गए, मैं लगूँ तो कितने दिन में बन जाएगी। मैं कहा तेरी बात में ये बोला भी कितने दिन में बन जाएगी, उसके बाद मैं छोड़ सकता हूँ, तेरी बात ही ऐसी है भी कितने दिन में बन जाएगी, उसके बाद मैं फ्री, उसके बाद मैं छोड़ दूँ, बन गई बॉडी पर। हाँ, बन गई। मैं कहा ये बात ही गलत है, वेट ट्रेनिंग तो लगातार ही होगी और डाइट करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये बटन दबा दिया बॉडी बन गई, ये बटन दबा ही। हाँ, कुछ लड़के जल्दी तगड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो दूसरे को लगता है यार ये तो एक साल में बन गया, और मैं मुझके इसकी जिम में 3-4 साल हो गए, मैं तो इसका आधा भी नहीं बन पाया, वो सभी जेनेटिक्स के ऊपर। तो ये भी जरूरी है कि अपने जेनेटिक्स को जानो थोड़ा। हाँ। ये कैसे पता चलेगा, अपने फादर ग्रैंडफादर वगैरह ब्रदर्स को देख के? हाँ। अभी हर किसी को बॉडी बनानी है, देखो ना तुम्हारे अंदर टैलेंट किस चीज का है, फुटबॉल प्लेयर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं बॉडी बिल्डर बनना, क्या पता तुम पहलवान अच्छे बन सकते हो। जी ना, एंडोमॉर्फ हो तो पहलवान भी बन। कुछ फेडरेशंस का आप बता रहे थे लवप्रीत की, इतने सारे मिस्टर इंडियाज हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऐसा है कि अब मैंने तो कोई कंपटीशन वैसे लड़ा नहीं है, जो दिखता तो सब है ना, लेकिन हमारे गांव में ऐसा होता है, दिल्ली में तो बहुत होता है, दिल्ली में हमारे यहां तो जैसे कि अब अगर जैसे कि दशहरा आ रहा है, आपको एक बात बतानी थी, तो अब घर हर एक घर में बच्चा होता है, मोहल्ले में बच्चा होता है, तो अपने डैडी को कहता है कि इस साल मैंने आग लगे देनी है रावण को, मैंने आग देनी। वो कहता है कि देख ले कोई बात नहीं, वो उसके ना वो कर देते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भी ऐसा बच्चा है, वो गल कर रहा है बात कर रहा है, ठीक है। उसको कह रहा है कि ठीक है ठीक है, वो जाता है, उसे कोई आग नहीं लगाने देता, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठी इतना होता है, जो आग तो एक ही लगाएगा जो उनका CM जो भी होगा, तो वो ऐसा करता है, सोचता है कि क्या करूँ क्या करूँ। वो फिर अपने मोहल्ले में ही रावण बना लेते हैं, अपना रावण मोहल्ले में बना के 4-5 बच्चों को इकट्ठा करके आग लगा दी, तो वो खुशी उसे हुई कि हाँ मैंने रावण जला दिया, मैंने रावण जला दिया। तो अब जैसे कि फेडरेशन में कोई बड़ी फेडरेशन थी, उसमें कंपटीशन हुआ मिस्टर दिल्ली का या कुछ भी, वहाँ पे गए, अब वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आएंगे जिनके 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, तो ठीक है वहाँ पे प्लेस नहीं पड़ी, उन्होंने पहले स्टेज से नीचे उतार दिया, वो तो जो सामने दिखा जजेस तो वही जज करेंगे ना, वो सोचता है कि ऐसे नहीं बात बनेगी, मिस्टर दिल्ली तो मैंने बनना है या मिस्टर पंजाब तो मैंने बनना है, मालवा तो बनना है, वो ऐसे करता है कि 3-4 जिम्स को इकट्ठा किया कि हम कंपटीशन करवाएंगे, कंपटीशन खुद ही करवा दिया, आप भाई खुद ही बन गए, जब आप मैंने कराया तो मैं ही बनूंगा, और कैसे बन जाएगा, ये चल रहा है कुछ, ऐसे भी चल रहा है काफी कुछ। चलो जब तक ज्यादा ज्यादा लोगों को अपना सपना पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि बस गलत गाइड ना हो, मैं तो यही कहूंगा, जो मुझे मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जल्दी करोगे तो गाइड जल्दी मत करो, जल्दी से कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, अगर जो मिलेगा टाइम लगा के, स्टडी भी करते हो तो उसमें कितने साल लग जाते हैं, जो मिलेगा टाइम लगा के, वो जो मिलेगा ना, याद रखो कि हाँ मैंने ये अचीव किया, अगर 2 किलो आपने मंथ में बढ़ाया है, आप याद रखो कि हाँ आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने बढ़ाया है ये 2 किलो और ये काम कर रहा है, 25 किलो मत बढ़ाना, ठीक है ना। तो आई होप कि पंजाब थोड़ा उड़ना कम करे और लोगों को समझ आए कि ये ठीक नहीं है,
थैंक यू सो मच कि आप मुक्तसर से आए अमृतसर मिलने, और इतने सारे आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें, इतनी सेंसिटिव चीज़ें जो रियल हैं उसके बारे में सबको बताया. सो थैंक यू सो मच गुरी. थैंक यू थैंक यू सो मच लवप्रीत.